मैं अज आया पिंड लोहा खेड़ी जिला फतेहगढ़ साहब का। यह पिंड तहसील दी बस्सी पठाणा पैंदी है। तो पिंड पैंदा यह चंडीगढ़ तो लहिंदे पासे 30 किलोमीटर से सरंद रोजा शरीफ तो पैंदा है। 25 किलोमीटर यह चढ़दे पासे वल। और मैं इस टाइम जिस रोड पर खड़े हाँ यह रोड नलास नू जांदा है बडाली माई जी नू। तो इत्थे ही बसा वगैरह मिलती हैं जिते पिपल लगे वा पुराना पिपल है। इस टाइम दी कट वड हुई भी है। तो रस्ता जांदा है अगे नलास नू। तो इस ते लगे वा एक नलका ते मोटरसाइकिल आया ए आया ए पिंड बडाली माई तो बस भी वह आ रही है। एक बडाली माई तो आ रही है। तो जाने कित्थे है बस ये बस जा रही है जी राजपुरे नू। ठीक है जी अगे रस्ता है राजपुरे नू निकल जाता। तो आ मोड़ है जी ये मोड़ चलिया जाता है अगे लोहा खेड़ी नू। 1.25 किलोमीटर इतों लोहा खेड़ी है। सामने तुसी लुक देख रहे हैं पिंड लोहा खेड़ी है कोठी तक गए। ठीक है ये वो पिंड दा दी लुक देख रही है इधर लेंदे पासे दे थोड़ा नेड़े होके भी आप दिखा देंगे। ठीक है ये पिंड अब्दुल रजाक ते असन जावेद दे फोरफादर दा उन्होंने रिक्वेस्ट ते अज आए हैं। तो ज़्यादा उन्होंने इन्नी गलबात नहीं हुई सी तो इस करके इस पिंड ज़्यादा देखने भी कुछ नहीं है। ठीक है जी तो मोटरसाइकिल जा रहा पिंड लोहा खेड़ी नू जी। ठीक है जी आप चलते हैं अगे जाके देखते हैं की कुछ है पिंड। ठीक है जी दोस्तों ये लुक है पिंड लोहा खेड़ी की लेंदे पासे वल। तो ज़्यादा कुछ तो इतने देखने नहीं है। छोटा जा पिंड है 100 घर है। गुरुद्वारा साहब बने वा जोड़ा कुछ मैं इतों से नज़र आता अपन नेड़े जाके भी चलेंगे। तो एक गुग्गा माड़ी इतने मस्जिद इतने ना 47 के टाइम से ना अज के टाइम बच्चे। ठीक है छोटा जा पिंड है 100 घर है 500-600 की आबादी है। ठीक है जिला फतेहगढ़ साहब का पिंड है। 47 के वेले रियासत पटियाला का पिंड होंदा सी। ठीक है जी ये गुरुद्वारा साहब है जी पिंड लोहा खेड़ी का। ठीक है जी ना दखण की तरफ है जी बहुत शानदार बनाया वा पिंड के लोगों ने। ठीक है बाकी कहानी तो पिंड से बाद करते हैं। एक गली जाती है जी पिंड के बिच दखण की तरफ खड़िया मैं। ठीक है जी ये फिरनी है पिंड की पिंड लोहा खेड़ी की। ठीक है जी पहुँच चलते हैं चढ़ते पासे पिंड दे लुक है जी पिंड की के फिर मी इधरला साइड है तो गुरुद्वारा साहब पिंड लोहा खेड़ी ये गलियां अंदर पिंड दिया। मैं खड़े पिंड लोहा खेड़ी दे चढ़ते पासे ये मोड़ है जी ये फिरनी है पिंड की। ठीक है ये फिरनी है इतने एक टोबा है बहुत सोहना। ठीक है जी ये बिल्कुल कॉर्नर ते सामने ददू माजरा पिंड दिखता जी। ठीक है जी ये टोबा पानी का घटे है ये पुराना है पुराने टाइम का बनया वा जी। ये नाल रोड लंघ जाता जी तो रोड चले जाता अगे ददू माजरे पिंड। ठीक है जी ये जा रहा मोटरसाइकिल ददू माजरे में जा रहा तो इधर नलास वगैरह जा रहा जी ये पिंड की फिरनी है जी। फिरनी मतलब पिंड के आले दुआले का यह दृश्य है जी। ठीक है जी ये पिंड जी लोहा खेड़ी जिला फतेहगढ़ साहब के बच्चे पुराने टाइम से रियासत पटियाला हों था। एक स्कूल देख रहे हैं जी तुम इस स्कूल की बिल्डिंग है जी। हाँ ठीक है जी ये स्कूल की बिल्डिंग है जिते इस टाइम असं खड़े हैं कॉर्नर से। ठीक है जी थोड़ा मैं अगे निकले स्कूल तो। ठीक है ये टोबा पानी का। ठीक है जी छप्पड़ भी कहें जिन्हों।
हाँ लोहा खेड़ी थे ना चढ़ते पास चढ़ते पास नहीं ये है उत्तर की साइड च गुग्गा माड़ी ठीक है जी पिंड लोहा खेड़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है इस पिंड देखने एक खूह है वो मैं दिखा दूंगा एक खूह से इस पिंड ठीक है जी लोहा खेड़ी तो मैं खड़े आया लोहा खेड़ी तो खूह को खड़े मैं खूह है जोड़ा छत पाई भी है ठीक है जी तो पुराना खूह है ये उत्तर की दिशा के बच्चे ठीक है जी एक गली है तो खूह है पुराना लोहे की छत पाई भी पानी है नहीं है जो खाली है ठीक है जी लोहा खेड़ी मैं खड़े इस टाइम पिंड लोहा खेड़ी दे ना उत्तर की साइड बिच ये जी कबर कबर से ये ठीक है कबर की जगह तो अजक तो चलो हिंदू सिख लोग इस चीज़ में वरतते हैं संस्कार दे ली ठीक है ये इतने दिन कबर से ठीक है जी तो ये उत्तर उत्तर की साइड बिच है जी ठीक है जी पिंड लोहा खेड़ी जी ठीक है सामने तुम देख रहे पिंड दादू माजरा बिल्कुल नेड़े पिंड का जी गुरुद्वारा साहब की लुक दिखाई दें पिंड लोहा खेड़ी जी ना ये चढ़ते पासे तो मतलब पगड़ाणा साइड तो लुक दिखाई दी है जी ठीक है जी मेरी कोशिश होंगी है पिंड हर तरफ से दिखाइए चढ़ते पासे तो लेंदे पासे तो ठीक है जी ये चढ़ते पासे तो पिंड लोहा खेड़ी जिला फतेहगढ़ साहब का पिंड जी पुराना है रियासत पटियाला का पिंड जी अजक कणक पक्की हुई है ठीक है जी कणक लगी हुई जी ठीक है सामने है जी पिंड दादू माजरा ये दादू माजरे साइड तो लुक दिखाई दी है जी दादू माजरा तुम देख रहे हैं तो यह आ जाता जी पिंड लोहा खेड़ी जी ठीक है जी ये रास्ता दादू माजरे में जाता जी ठीक है जी।